हाय दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि जब से मानव का विकास हुआ है तब से मानव भोजन की तलाश में चारों तरफ घूमता रहता है। आज भी मानव जो गतिविधि अपने दैनिक जीवन के अंदर करता है तो शायद उसका मूल लक्ष्य यही होता है कि उसको पेट भरना होता है, यानी कि भोजन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हमारे जीवन से संबंधित है। इसीलिए आज हम क्लास 8 के लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड करता है। यानी इस लेसन के अंदर आज हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है, आप इस लेसन को अच्छे से देखिए, आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम इस लेसन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आता है वो है क्रॉप, यानी कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है, हम क्रॉप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप, यानी कि एक ही प्रकार के पादपों को, एक ही प्रकार के पौधों को, एक ही प्रकार की फसल को हम एक बड़े भूभाग के ऊपर उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉप कहते हैं। जैसे आपने आसपास भी देखा होगा कि जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े खेत आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो बस वही है कि सेम प्रकार की जो क्रॉप है वो एक बड़े लैंड के ऊपर, बड़े भूभाग के ऊपर उगाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर अब बात आती है कि क्रॉप का डिवाइडेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्रॉप का डिवाइडेशन हम मेनी टाइप से कर सकते हैं, परंतु आपके लेसन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉप का जो डिवाइडेशन है वो हमने दो प्रकार से किया है, जो कि सीजनल डिवाइडेशन है। सीजनल का मतलब ऋतुओं के आधार पर, कौन सी ऋतु के अंदर कौन सी फसल उगती है उसके आधार पर यहाँ पर क्रॉप का जो डिवाइडेशन है हमने दो प्रकार से किया है, जिन्हें हम खरीफ की क्रॉप और जिसे हम रबी की क्रॉप, दो नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब यहाँ पर अगली बात आती है कि हम खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप का मतलब ये होता है क्रॉप शोन इन रेनी सीजन, यानी कि वह फसल जो रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम के अंदर उगाई जाती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। रेनी सीजन इन इंडिया जून टू सितंबर, यानी कि जो हमारे यहाँ पर रेनी सीजन होती है वो रेनी सीजन जून महीने से लगा करके सितंबर के महीने तक होती है। इस दौरान जो भी फसल उगाई जाएगी उसे हम खरीफ की फसल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन, ये इसके एग्जाम्पल है। और इन एग्जाम्पल से हमारे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरीके से आप याद रखें। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका है वो रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का मतलब होता है कि दिस क्रॉप्स शोन इन विंटर सीजन, यानी कि विंटर सीजन के अंदर जो फसल उगाई जाती है, जिस फसल का प्रोडक्शन होता है उसे हम रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। और इंडिया के अंदर ये जो विंटर सीजन होती है वो अक्टूबर के महीने से लगा करके मार्च के महीने तक होती है, यानी कि अक्टूबर टू मार्च, इस दौरान जो फसल उगाई जाएगी वो रबी फसल के अंदर काउंट होगी। इसके एग्जाम्पल से आपके पास वीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड, इस प्रकार की फसलें जो है वो रबी क्रॉप्स के अंदर काउंट होती है। तो इन दोनों भागों को आप अच्छे तरीके से याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपके आसानी से पूछे जाते हैं और इजीली आपको ये याद भी हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि फसल उगाने के लिए हमें किन किन पदों का, किन किन स्टेप्स का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिया गया वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि आधारभूत पद्धतियाँ कौन सी हो सकती है, कौन सी वो स्टेप्स हो सकती है, कौन से वो पद हो सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फसल को उगाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको काम में लेना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम कहते हैं मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, यानी कि जब भी आपको खेती करनी है, जब भी आपको फसल को उगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से उसके अंदर खेती कर पाएंगे, फसल को उगा पाएंगे। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है वो है सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि मिट्टी तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, बीजों को खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर बो देना है। तीसरा स्टेप्स आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जब आप खेत के अंदर बीजों को बो देते हैं तो बोने के बाद में क्या करना है, उसके अंदर मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स उसके अंदर डालने पड़ेंगे, यानी कि किसी भी प्लांट की, किसी भी क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि उसके अंदर हम खाद या उर्वरक को मिलाएं। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इरिगेशन का, यानी कि जब भी
हम किसी फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हम मौसम और सीजन के अनुसार क्या करते हैं, उस फसल को क्या करते हैं, पानी को पिलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई करना, और इरिगेशन उसको हम कह सकते हैं। इसके बाद में प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि खरपतवार से सुरक्षा करना। अब ये खरपतवार का मतलब क्या होता है, खरपतवार या वीड्स का मतलब होता है कि जब भी हम किसी क्रॉप को किसी फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ क्रॉप्स के साथ में कुछ अवांछित पौधे, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो है ग्रो हो जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार या वीड्स के नाम से जानते हैं, जिनको हटाना जरूरी होता है। उसके बाद में होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को कहा जाता है फसल की कटाई करना, यानी जब फसल पक जाती है तो हम क्या करते हैं, उस फसल को काट लेते हैं, और काटने के बाद में हम क्या करते हैं, किसी प्रोसीजर के द्वारा वहाँ से बीजों को या दानों को हम प्राप्त कर लेते हैं, और दाने प्राप्त करने के बाद में हम फिर क्या करते हैं, उनका स्टोरेज कर लेते हैं। ये स्टोरेज करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। इन सारे स्टेप्स की जानकारी हम इस आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और सारे पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब स्टेप्स देखने के बाद में इन एक एक स्टेप को हमें यहाँ पर समझना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस को अपनाया जाता है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो पहली बात आप सुने, इट इज फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू टर्निंग द सॉइल एंड लूजन इट, यानी कि ये पहला जो स्टेप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर हम सॉइल को टर्निंग करते हैं और उसको लूजन करने का काम करते हैं, यानी कि मिट्टी को उलटना पुलटना और साथ में ऐसी बना देना कि उसके अंदर आसानी से क्रॉप की जड़ें चली जाए और आसानी से वो वहाँ पर ब्रीथिंग कर पाए और आसानी से वो ग्रो कर पाए। उसके बाद में इन लूजन सॉइल माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स ईजिली ग्रो एंड दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जब हम इस प्रकार से ये टर्निंग द सॉइल और लूजन जब हम सॉइल को कर देते हैं, तो उसके बाद में बेनिफिट ये होता है कि उस मिट्टी के अंदर जो है कुछ माइक्रोब्स और कुछ अर्थवर्म्स ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू कर देते हैं, और ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण करते हैं जो फसल के फर्टिलाइजर की तरह वो काम आते हैं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, यानी ये काफ़ी यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं। इसके बाद में आप देखें, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, टिलिंग और प्लोइंग इसको कहा जाता है। कहने का मतलब ये होता है, जब हम टर्निंग एंड लूजनिंग का जो काम करते हैं, तो उस टर्निंग और लूजनिंग के जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लोइंग के नाम से जानते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, यानी कि इन दो नाम से इनको जाना जाता है, पूरे प्रोसेस को। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है जिसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाई टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज इम्पोर्टेंट, यानी कि टर्निंग और लूजनिंग करना क्यों जरूरी है। तो देखें इसका आंसर आप, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल brings the nutrients rich soil to the top, यानी कि जब हम मिट्टी को उलट पुलट करते हैं तो मिट्टी की गहराई के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उलटने पुलटने के दौरान वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे सीड को न्यूट्रिएंट्स जल्दी मिल जाता है और सीड धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाता है, सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स इजिली एंड इजिली ग्रो। तो इस प्रकार से ये जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर एक को देख लिया है कि किस प्रकार से सॉइल का प्रिपरेशन किया जाता है, किस प्रकार से टिलिंग और प्लोइंग को किया जाता है, परंतु यहाँ पर प्लोइंग करने के लिए कौन कौन से ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको जानना भी यहाँ पर जरूरी है। तो हम यहाँ पर इस भाग के अंदर जो है हम ये जानेंगे कि प्लगिंग और टिलिंग के लिए हम किस प्रकार से कौन से टूल्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिनको हम टूल्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो मेन जो टूल्स है वो है प्लो, हो और कल्टीवेटर, ये तीन प्रकार के टूल्स यहाँ पर हम काम में लेने वाले हैं। प्लो को हम हिंदी में हल कहते हैं, हो को हम कुदाली कहते हैं, और कल्टीवेटर को कल्टीवेटर ही कहा जाता है। इसे ट्रैक्टर के साथ में जोड़ करके उपयोग में लिया जाता है। कई बार आप खेतों के अंदर ट्रैक्टर को चलते हुए देखते होंगे और उसके पीछे एक मशीन जैसा लगा होता है जो कि इस प्रकार से
होता है जो खोदने का काम करता है, यानी कुल मिलाकर के अपन कहते हैं ना जैसे हल चल रहा है, जैसे उसी प्रकार से सेम वर्किंग करता है। अभी चित्र केंद्र में आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं प्लो की बात करते हैं, जिसे हम हल कह रहे हैं। तो हल जो होता है वो नॉर्मली बुल्स की सहायता से चलाया जाता है। दिस इज मेड ऑफ वुड, यानी कि जो हल होता है वो लकड़ी की सहायता से बनाया जाता है और जिसे बुल्स की सहायता से हम क्या करते हैं, चलाते हैं। दूसरा बिंदु इसके अंदर है प्लो कंटेन प्लो शेयर एंड प्लो शाफ्ट, यानी कि जो हल होता है उस हल के अंदर दो भाग होते हैं जिन्हें हम प्लो शेयर और प्लो शाफ्ट के नाम से जानते हैं, जैसा कि चित्र के अंदर आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में प्लो सेकंड पार्ट इज कॉल्ड बीम विच प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, यानी कि जो प्लो वाला जो भाग है जो बुल्स की नेक यानी गर्दन के ऊपर रखा जाता है उसे हम बीम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि प्लो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो नेक के ऊपर रखा जाता है, ये प्लो शेयर होता है और ये प्लो शाफ्ट होती है। इस प्रकार से क्या है, इस प्लो का निर्माण किया जाता है लकड़ी की सहायता से, जैसा कि चित्र में भी आपको दिखा दिया जाएगा। यूज ऑफ प्लो, यानी कि इस प्लो का हमारे लिए क्या उपयोग है, तो टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, रिमूविंग वेट्स एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि तीन काम करता है प्लो। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो टूल्स है अपना वो है कुदाली, जिसे हम हो के नाम से जानते हैं। इट इज आयरन और वुड रोड, यानी कि ये आयरन से बनी हुई या लकड़ी की बनी हुई एक रोड होती है जो जिसका एक भाग जो होता है वो चौड़ा होता है और हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, यानी कि बेंट होता है। इट इज वर्क लाइक ब्लेड एंड इट इज पुल्ड बाय एनिमल, यानी कि ये ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसे एनिमल की सहायता से ही चलाया जाता है। इसका कार्य भी सेम प्लो के समान ही है, टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। इसके बाद में जो आधुनिक युग के अंदर थोड़े सी लेबर को कम करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए और काम को फास्ट करने के लिए मशीनों का उपयोग करने लगे हम, तो वो मशीन ही क्या है, कल्टीवेटर है। तो मशीन की सहायता से होने वाला काम है ये। नाउ अ डे प्लोइंग इज डन बाय कल्टीवेटर, यानी कल्टीवेटर की सहायता से हम प्लोइंग को करते हैं, हम हल को चलाते हैं, तो उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। यूजिंग कल्टीवेटर सेव्स टाइम एंड लेबर, यानी कि हम कल्टीवेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उस खेती के जो सारे काम है वो फटाफट हो जाएंगे, समय भी बचेगा और साथ में लेबर भी बचेगी। इस प्रकार से प्लोइंग करने के लिए, टिलिंग करने के लिए हम इन तीन प्रकार के औजारों का उपयोग करते हैं।